हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। सो आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं एनालिसिस के ऊपर, आईबीपीएस पीओ की एनालिसिस। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है 23 सितंबर से। सो आज इसका सेकेंड डे है एग्जाम का 30 सितंबर को। सो आज हम इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं शिफ्ट फर्स्ट की, कि उसमें कैसा एग्जाम रहा, कैसा पैटर्न रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, कितने गुड अटेम्प्ट्स हो सकते थे, एंड सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज कितने गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं एंड उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट्स हम 20 अगर रीजनिंग की बात करें तो 23 प्लस को हम एज ए गुड अटेम्प्ट्स काउंट कर सकते हैं। क्वांट में 14 प्लस, इंग्लिश में 18 प्लस, एंड ओवरऑल की अगर बात करें तो 55 प्लस। सो अगर जिन्होंने 55 या 55 अबव अटेम्प्ट्स करे हैं उसको हम एज ए गुड अटेम्प्ट्स काउंट कर सकते हैं। अगर अब इसका डिफिकल्टी लेवल देखें तो रीजनिंग रहा है इजी टू मॉडरेट, क्वांट मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 23 सितंबर को भी हमने एनालिसिस करी थी तो उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का ही क्वांट आया था। सो इस शिफ्ट में भी क्वांट जो रहा है मॉडरेट लेवल का रहा है। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, एंड अगर ओवरऑल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट। अब हम बात करते हैं सेक्शन में टॉपिक वाइज कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। सो क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 क्वेश्चन रहे हैं, मिसिंग नंबर सीरीज में से भी 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में से 10 क्वेश्चन, कैसलेट में 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 एंड पाई चार्ट में से भी 5 क्वेश्चन रहे हैं। सो ये तो था क्वांट का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग में देखें तो फ्लोर प्लैट सीटिंग में से 5 क्वेश्चन, स्क्वायर सीटिंग में से 5 क्वेश्चन, लीनियर सीटिंग में से भी 5 क्वेश्चन, एयर बेस्ड पजल में से भी 5 क्वेश्चन, सिलोक्स में से 3, इन इक्वालिटी में से भी 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग में 3, मिसलेनियस में से 3 क्वेश्चन एंड ब्लड रिलेशन में से भी 3 क्वेश्चन रहे हैं। ये है रीजनिंग का। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आरसी, जैसे कि पता है कि 8 या 9 क्वेश्चन आरसी में से रहते हैं, तो इसमें से 9 क्वेश्चन रहे हैं। पैरा जंबल में से 5, डबल फिलर्स में से भी 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट में से 5, वर्ड स्वैप में से 5, एरर 1 एंड फाइंड द करेक्ट सेंटेंस में से भी 1 क्वेश्चन रहा है। सो ये था फर्स्ट शिफ्ट का 30 सितंबर का। कल भी 1 अक्टूबर को एग्जाम है। सो जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो है, वो इस वीडियो को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि उनके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्वांट मॉडरेट लेवल का आ रहा है, 23 सितंबर को भी मॉडरेट लेवल का आया है एंड आज भी मॉडरेट लेवल का रहा है। तो नेक्स्ट में भी हम ये लगा के चल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है। सो हमारा जो एक न्यू बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 5 अक्टूबर से, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज। हाइब्रिड क्लासेस रहेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस फैसिलिटी भी है। 4 to 6 मंथ का बैच रहता है। हम आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे एंड 20 प्री की टेस्ट सीरीज एंड 20 मेन्स की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। सो जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड है वो हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर में एंड हमें विजिट भी कर सकते हैं। जो हमारा एड्रेस है वो स्क्रीन पे दिया गया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।